हाल चाल है। तो भाई मॉर्निंग ही ऐसी हुई है, फटाफट उठ के जल्दी से निकलना था, 7 बजे निकलना था, 7:30 ही बज गए। तो अपना फटाफट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, भाई श्रीनगर जल्दी से जल्दी पहुंचना है क्योंकि वहां पे चार्जिंग की दिक्कत होगी और आज हो जाएगा इस गाड़ी का रियल टेस्ट जो कहते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल रास्ते में कोई चार्जर नहीं है, कहीं रुक नहीं सकते रास्ते में, पुलवामा और वो आते हैं वहाँ तो रुक के करेंगे क्या। तो श्रीनगर पहुँचना है सिंगल चार्ज में, अभी है 70%, फुल चार्ज कर लेते हैं। हाँ तो भाई कल रात को ना 70% पे चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, हमने सोचा सुबह ही कर लेंगे और नींद भी आ रही थी, थके भी हुए थे, तो अब आ चुके हैं और सुबह सुबह 7 बजे निकलना था, उसके लिए भी लेट हो गए। और आज भाई ये होने वाला है रियल टेस्ट, जैसे कहते हैं ना रियल टेस्ट होगा आज गाड़ी का, क्योंकि अगर आज श्रीनगर तक की गाड़ी नहीं पहुँची तो फिर आगे ले जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब श्रीनगर तक ही नहीं पहुँची तो फिर तो आगे कैसे जाएंगे। और श्रीनगर यहाँ से दिखा रहा है 260 किलोमीटर, 260 प्लेन में तो चल जाती है, बट अब है हिल का एरिया, सारा हिल का एरिया है। थोड़ा सा जब वैली में आते, वैली में तो प्लेन रोड है, बट अभी हिल का एरिया है, तो उसमें देखो कैसे चलाएंगे, एसी बंद करेंगे, इको करेंगे। वीडियो में बने रहना, इलेक्ट्रिक गाड़ी के सारे डाउट पूरे कर दूंगा इस वाली वीडियो। तो ये तो मेन वीडियो है क्योंकि आज इसका सच में ही रियल टेस्ट होने वाला है। 100% होने वाली है, 99% हो चुकी है यहाँ पे। और कितनी देर में हो गई है, 41 मिनट्स में, तो 41 मिनट्स लगे हैं 70 से 100 होने में 30 किलोवाट के चार्ज। तो भाई कल की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो ज़रूर बताना, और कल की वीडियो का एक बहुत ही बढ़िया वो बताता हूँ मैं। हमें दिल्ली से जम्मू तक आने में भाई अराउंड 700-750 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगी, 950 की चार्ज हुई, बट थोड़ी बच भी रही थी तो 750 की इलेक्ट्रिसिटी लगी। बट हमारे पता टोल कितने के लगे, 828 रुपये के हमारे टोल लगे, मतलब जितने में हम इससे गाड़ी से आए उससे ज़्यादा के। तो टोल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छी ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो ऐप। बिनोमो एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेडिंग करके, इन्वेस्ट करके और अपनी पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको दो तरह के अकाउंट मिलेंगे, एक डेमो अकाउंट और एक रियल अकाउंट। जब आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है तो आप डेमो अकाउंट से अपना ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, जैसे ही आप ट्रेडिंग करने में प्रो हो जाएं तो आप अपना रियल अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले बिनोमो ऐप को ऑन करना है, और बिनोमो ऐप में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में मेरे 38,000 रुपीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 38,000 है। अब मुझे करना है इन्वेस्टमेंट पे क्लिक और अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिलेक्ट की है 3500। तो अब मुझे अपना इसमें प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो मेरे को ग्रीन बटन दबाना है, और मुझे लगता है नीचे जाने वाला है तो रेड बटन दबाना है। तो अब मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैं ग्रीन बटन दबा के अप करता हूँ इसे, और आप देख सकते हो 3500 मेरे इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो 3500 लगा के मुझे 6400 का प्रॉफिट अर्न हुआ, और इसमें अर्न किया हुआ प्रॉफिट आप अपने फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, अपने बैंक में कहीं भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, और इनकी सपोर्ट सर्विस 24/7 करें। फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके क्लिक कीजिए और बिनोमो ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आप फर्स्ट साइन अप करेंगे तो आपको $1000 डेमो अकाउंट में बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और बिनोमो ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से ही अपनी पॉकेट मनी अर्न कीजिए। तो यार ये देख लो टोल इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, मतलब हर 30-40 किलोमीटर पर टोल लगा रखे हैं अब। तो फटाफट निकलते हैं, बस आज कैसे ना कैसे पहुंच जाए, क्योंकि हिल में इसकी फर्स्ट टाइम ड्राइव होगी कि पहली बार पहाड़ पे, और ऐसे पहाड़ पे चलेगी, तो देखते हैं भाई कहां तक पहुंच पाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज़ वीडियो में भाई बने रहना। तो ये 100% चार्ज हो चुकी है और नॉर्मल रेंज में आ रही है 338, बट आज हम इसे चलाएंगे इको में, क्योंकि यार हमें भी पता नहीं है कि कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। बट एसी ऑन रहेगा, एसी ऑफ करके चलाने, जो लोग मिथ है ये कि एसी ऑफ करके रेंज ज़्यादा देती है, बट आपको शीशे खोलने पड़ेंगे, और जब शीशे खोलोगे तो एयर प्रेशर अंदर आएगा और जिससे कि गाड़ी की रेंज और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो शीशे तो बंद ही रखो गाड़ी के, और टायर प्रेशर इसमें करवा लेते हैं क्योंकि टायर प्रेशर 3 में लो दिखा रहा है। तो चलो टायर में हवा भरवा लेते हैं। तो भाई जैसे कि पहाड़ में बैटरी खाती है तो रिचार्ज भी होती है, जैसे मैं उतर रहा हूँ यहाँ से तो 97% हो गई थी, और 97 से रिजन करते करते 98 हो गई, मतलब वापस भी चार्ज हो जाती है गाड़ी। तो मतलब देखते हैं कि क्या इसमें सारी चीज़ रहती है, क्योंकि मैंने भी कभी ये पहाड़ पर चलाई नहीं है, और 347 की यहाँ पर रेंज दिखा रही है, और ये अपने को जाना है 248 किलोमीटर जो
जो कि हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। इस पूरे ट्रिप पे जिसने सबसे ज़्यादा दुखी किया है वो है ये टोल, इतने ज़्यादा टोल लग रहे हैं ना, इतने ज़्यादा, मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूर में टोल लग रहे हैं, इतने का तो अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पकड़ी जितने के यहाँ पे टोल लग जाते हैं। तो यहाँ हवा वाले पे ना हवा करवा लेते हैं, क्योंकि वैसे तो इसमें 36 पॉइंट दिखा रही है, 38-39 करा लेते हैं ताकि रेंज अच्छी दे दे ये पहाड़ों पे। हवा मिली नहीं क्योंकि उस पर वैसा डिजिटल मीटर नहीं था, तो पेट्रोल पंप पे भरवा रहे हैं। आगे से यार लगती तो बड़ी मस्त है, आगे से ही प्रीमियम लगती है, पीछे से तो i20 जैसी लगती है। तो यार बहुत, मतलब आज तो घबराहट सी हो रही है कि पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि 84% तो बैटरी यहीं तक हो चुकी है। अभी तो कटरा वाले कट को ही क्रॉस किया है। पिछली बार आए थे तो रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बनने लग रही थी, अब रोड्स तो बन गई हैं, ठीक ठाक है रोड्स। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ, अगर सोचो कि टेम्परेचर कम है तो दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पूरा गर्म हो चुका है अंदर से, बहुत गर्मी लग रही है। एसी भी हमारे वहाँ तक तो इतना काम कर जाता है, यहाँ इतने अच्छे से नहीं कर रहा। अब देख सकते हो 74% बैटरी बची है जिसमें 262 रेंज दिखा रहा है, और हम पहुँच जाएंगे डल लेक 167 किलोमीटर बाद। तो अभी देखो क्योंकि आगे तो प्लेन एरिया आ जाता है, बट एक बार बीच में काफ़ी अच्छे से मतलब हाइट वाले पहाड़ आते हैं, तो वहाँ पे देखने वाली है। अभी तक तो सही रीजनरेशन वगैरह सही कर रही है, अगर इसमें रीजनरेशन ना हो ना तो नहीं पहुँच पाई है। रीजनरेशन तो भैया चाहिए चाहिए गाड़ी में, इसलिए टाटा नेक्सॉन ने भी रीजनरेशन वगैरह सब दे दिया। तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, जो थोड़ी बहुत रह गई है सड़क, अगले साल तक तो ऐसा हाईवे बनने वाला है ना जम्मू से और आगे अपना श्रीनगर तक। श्रीनगर के बाद तो आपने रोड देखा ही है कितना मस्त है, और आपकी बात आते टाइम तो बहुत ही बढ़िया रीजनरेशन होने वाली है, इतनी बढ़िया सड़क है और पूरा स्लोपिंग एरिया आ जाएगा। और आना भी मेरे को इसी रूट से पड़ेगा, क्योंकि लेह वाले से तो नहीं जा सकता, वहाँ पे चार्जिंग नहीं है बीच में और लाइट भी नहीं है, और इसका ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर कोई छोटे से जनरेटर में लगा दिया वो लगा दिया, इसके लिए ज़्यादा बैटरी ज़्यादा पावर चाहिए। टाटा वाली जो पुरानी टाटा वाली थी वो तो फिर भी हो जाती थी। अरे टनल तो ख़त्म होने में ही नहीं आ रही, 6.4 किलोमीटर तो अभी तक हो चुके हैं, पता नहीं चलती ही जा रही है। पिछली बार तो शायद पता नहीं थी कि नहीं थी, याद नहीं आ रहा, बट एक थी तो सही लंबी टनल थी, बट इतनी लंबी तो नहीं थी, कोई 6.5 किलोमीटर तो हो चुके हैं। टनल से तो बाहर आ गए, 9 किलोमीटर की टनल थी, और अब जितना चढ़ वहाँ पे चढ़ने में बैटरी ख़त्म हुई थी इतनी, अब ये उतरने में रीजन हो जाएगी। ये देख सकते हो उतरने में ग्रीन पे चल रही है, माइनस में आ गई पावर फिगर्स, ठीक है। मतलब पहाड़ों पे भी ये है कि अगर आप चढ़ोगे तो ज़्यादा बैटरी खाएगी, बट उतरोगे भी तो सही कहीं ना कहीं, तो जहाँ उतरोगे वहाँ वो चार्ज हो जाएगी, तो बराबर बराबर सही हो जाता है लगभग। तो पहाड़ों की पहली ट्रिप है ना, तो इसलिए अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी चलेगी, आज श्रीनगर पहुँच के पता चल जाएगा कि भाई कितनी चलती है। विदाउट एसी तो आराम से पहुँच जाएंगे, बट हमने एसी बंद नहीं किया है कहीं भी, एसी हम चलाते हुए आ रहे हैं। तो भाई मैं रीजनरेशन की जो बात कर रहा था, रीजनरेशन देखो ये होता है, टनल से निकले 10-12 किलोमीटर हो चुका है, और वहाँ से ना मतलब स्लोप ही स्लोप है, डाउन हिल है, तो डाउन हिल में 1% बैटरी बढ़ी है, 1% बैटरी अभी कम नहीं हुई है। अगर थोड़ी देर और ये डाउन हिल चली तो अभी 65 दिख रही है ना आपको, ये 66 हो जाएगी। तो मतलब रीजनरेशन बहुत ही बढ़िया काम करते हैं यहाँ, एक तो बैटरी खर्च नहीं होती, प्लस में बढ़ जाती है आपकी बैटरी, और किलोमीटर्स भी बढ़ जाते हैं। पहाड़ पे ऐसा तो है नहीं आपको 100 पे चलना है, जितनी नॉर्मल गाड़ी चल रही है उतनी ये गाड़ी चल रही है बैटरी होती है। ये देखो बैटरी रीजनरेट हो रही है और 66 पे आ गई है, मतलब ये लगा लो बीच के 15 किलोमीटर तो इस ट्रिप में से निकाल ही दिए, 15 किलोमीटर तो रीजन ही रीजन हुआ है, और बैटरी बढ़ गई है, कम बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये फ़ायदा होता है इसका रीजनरेशन का। तो ये जो जम्मू से श्रीनगर वाला रास्ता है ना, ये अभी तो हम इस ऐसे रास्ते से जा रहे हैं, बट आने वाले एक साल में हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि हाईवे बहुत बढ़िया बन रहा है, इतना ईजी हो जाएगा जाना। और ये देख सकते हो सारा 6 लेन हाईवे बन रहा है यहाँ से जम्मू से श्रीनगर तक, जो एक्सप्रेसवे होता है ना उस तरीके से बना रहे हैं, और सारी टनल खोद खोद के अंदर से, और बहुत ही बढ़िया वो कर रहे हैं कम्युनिकेशन। और यहाँ से तो अब दिल्ली से फिर तो लेह लद्दाख बहुत ही पास हो जाएगा, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर वाला पैच थोड़ा सा लंबा लगता है, रोड सिंगल है ना तो इस वजह से। और अब ये देखो कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है वहीं श्रीनगर तक, और अपने 50% बैटरी ख़त्म हो चुकी है, रास्ता भी बचा हुआ है 100 किलोमीटर का, तो 50% बैटरी में गाड़ी अपनी चली है 145 किलोमीटर, और प्लेन में चल रही थी 156, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस तो आया नहीं है, मतलब पहाड़ों पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है ये भी। तो 145 चली है ईको में, तो टोटल लगा लो भाई 280 तो चली जाएगी भाई ईको में करेंगे अगर, तब पहुँच के बताते हो। क्योंकि पहाड़ों में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है चढ़ाने में, और उसमें कोई बढ़िया वो दिक्कत नहीं है। और पिकअप में, पिकअप के मामले में तो आप लोगों को पता ही है कितनी बढ़िया है, ओवरटेक करना बहुत ईजी है इससे,
तो गाड़ी की परफॉर्मेंस तो पूरी बढ़िया है, और जितना हम धुआं बचा रहे हैं, जितना पोल्यूशन बचा रहे हैं, उतना ये बस वाला करता जा रहा है धुआं। तो ईवी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और अच्छे ही उस पर स्पीड पर चला रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई धीरे चला रहे हैं, शीशे वगैरह बंद है, एसी भी ऑन है। अभी हाईवे का काम कितने खतरनाक तरीके से चल रहा है, ये देखो पहाड़ पर कहाँ चढ़ी हुई है जेसीबी, वहाँ से तोड़ तोड़ के ला रहे हैं सारे पहाड़ को। जम्मू से जब कश्मीर में एंटर करते हैं ना, तो कहीं बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ, बट आपको ना जैसी सूदिंग इफेक्ट्स आएगा, अच्छा सा अच्छे से सीन दिखने लगेंगे, तो सोच लेना कश्मीर में एंटर कर चुके हो। बट ये इतने सारे टोल हो चुके हैं ना, इतने सारे, अभी बताओ 150 रुपये का टोल है ये सिंगल तरफ का। तो अब बची है वही 36% बैटरी और 127 की रेंज, और 72 किलोमीटर है बस। कश्मीर वैली में आ चुके हैं अंदर, और चारों तरफ वही बर्फ़ के पहाड़ और वो सारी चीज़ें आ गई हैं। चेरी ले ली, चेरी खाते खाते चलते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, 150 रुपये का टोल आया, अब फिर से एक और टोल आ चुका और ये भी 115 रुपये का है। यार मतलब इतने सारे टोल, माना कि रोड इतनी अच्छी बना दी है, बट इतने ज़्यादा, इतनी पास पास जगह पे मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर ही हुए हैं, ये देख सकते हो 115 रुपये का टोल है। फाइनली 19% बैटरी भी बची है, अभी 66 की रेंज बची है, और ये देखो हम लोग आ चुके हैं अपना डल लेक में। तो जो कौन लोग थे भाई जो कह रहे थे कि उसकी तरह चलती है, ई रिक्शा की तरह चलेगी, नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, तो ये पहुंच चुकी है श्रीनगर। और जहां तक मुझे लगता है कि ये श्रीनगर की पहली ईवी गाड़ी है जो यहां तक पहुंची है, क्योंकि अभी मैंने एक जगह बात की थी चार्जिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तक यहां कोई गाड़ी आई नहीं है। तो ये देख सकते हो श्रीनगर पहुँच गए हैं, और यहां पे चार्जिंग स्टेशन कहीं नहीं है, तो यहां चार्जिंग अपने को होटल में करनी पड़ेगी। तो होटल फटाफट से होटल ढूंढता हूं, पहले तो कुछ खाते हैं। और ये देखो डल लेक के पास अपनी ईवी, पहली ईवी जो डल लेक पहुंच चुकी है, और जो कि पेंगोंग लेक भी पहुंचेगी, डल लेक से पेंगोंग लेक। तो भाई अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पार्किंग में, और डल लेक के बिल्कुल सामने, और वहीं खाना खा लेते हैं जहाँ पहले खाया था अपना, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और भाई श्रीनगर के जो लोकल लोग हैं ना, बहुत ही बेकार उनका बिहेवियर रहता है, बाहर की गाड़ी देखते ही ना बहुत बेकार बिहेवियर रहता है। चलो भाई अपना खाना वाना खा लिया है, अब ढूंढना है होटल जिसमें कि चार्जिंग के लिए कोई हमें अलाउ कर दे, जो चार्ज करने दे। वैसे तो कर ही देंगे क्योंकि कोई ज़्यादा बैटरी तो खाती नहीं, हम इसके एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे। छोटे वाले चार्जर से तो अराउंड 200 रुपये का, 200-250 खाती है, 500 दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट होटल ढूंढना इस टाइम पे, क्योंकि ये पीक टाइम चल रहा है, पिछली बार तो खाली थे सारे होटल, बट अब होटल भरे पड़े हैं क्योंकि ये छुट्टियों का टाइम हो गया है ना। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना दिल्ली में गर्मी है, श्रीनगर चलो ठंड मिलेगी, भाई सेम वही वाली गर्मी यहाँ पे भी है, बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे यहाँ डल लेक। ये पता नहीं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डल लेक को साफ़ क्यों नहीं करते, देखना मतलब गंदा नाला की तरह, मतलब डल लेक ना कह के गंदा नाला कहें तो ज़्यादा बेटर होगा इस टाइम पे। तो देखना क्या हालत होगी। अपनी गाड़ी ने टेस्ट पास कर लिया है, जो सुबह से टेस्ट दिया गया था श्रीनगर तक पहुँचने का। अब जब श्रीनगर ही पहुंच गई, 250 किलोमीटर तो आगे, तो फिर 150 किलोमीटर है, और रास्ता भी है बहुत ही अच्छा है, तो आगे तो पहुंच ही जाएगी। तो लेह तक तो अब पहुंचना ही पहुंचना है, और जिसके पास भी ZS EV है ना, आराम से आ सकता है। ZS EV या, और ZS EV भी फेसलिफ्ट वाली, पुरानी वाली ZS EV या शायद ना आ पाती, क्योंकि इसमें 60 की रेंज बची थी, और पुरानी वाली से 60 किलोमीटर कम चलती थी, और नेक्सॉन से तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ BYD वाली अच्छे से आ जाएगी, BYD है या कोना है, वो गाड़ी आ जाएंगी। तो आप लोग भी फटाक से घूमने आ सकते हैं, और 600-700 की ओरकल चार्जिंग हुई थी, तो 1400 रुपये में दिल्ली से श्रीनगर, क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है भाई। 19% पे पहुँचे थे, 14 हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे हैं होटल, और होटल नहीं मिल रहा। अब वीकेंड पे पूरा सोल्ड आउट है, पूरा सोल्ड आउट है, अब कहाँ से होटल मिलेगा। अब हमें लगा था कि वहीं जाके देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही लिया था, मिल गया था, बट इस बार होटल ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। और होटल मिलेगा उसके बाद फिर चार्जिंग का पूछना पड़ेगा, तो यार मतलब एक तो ये बैटरी भी इसमें कम है, प्लस में चार्जिंग भी लगानी है अभी जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि सुबह भी निकलना है ना, तो सुबह तक होगी चार्ज। तो अब एक चेक किया, एक 12-13 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक चलते हैं। 47 की रेंज आ रही है इसकी। तो भाई फाइनली रूम मिल गया, यहाँ पे रूम मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा ये पता नहीं था। ये एक मतलब होटल है, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब सबसे पहले गेस्ट इस होटल के हम ही हैं। एक फ्लोर तैयार हो गया, तो उसमें पहला रूम हमें मिला है, और यहाँ पे प्लस में चार्जिंग भी इन्होंने अवेलेबल करा दी है। तो चार्जिंग अवेलेबल क्या, वो तो वही सॉकेट अवेलेबल करा दिया है बस,
तो ये सॉकेट है और अपना यहाँ पे चार्जिंग पे लगा दी गाड़ी। अब ये गाड़ी होगी सुबह 8-9 बजे तक, देखो कितने बजे तक होती है। वैसे तो इसमें 17 घंटे दिखा रहा है, अगर लाइट नहीं गई तो हो जाएगी। बस ये यहाँ पे दिक्कत है, ये श्रीनगर और कारगिल में दिक्कत आएगी, बाकी लेह में फिर फास्ट चार्जर है तो इतनी कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो टाटा या स्टैटिक से यार मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग श्रीनगर और कारगिल में भी प्लीज़ चार्जर ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब जम्मू तक लगा दिए और लेह में लगा दिए तो बंदा कम्यूट कैसे करेगा, तो इस चीज़ का प्लीज़ ज़रा ध्यान रखें। तो अपना श्रीनगर घूम लेते हैं, पैदल गाड़ी तो यहीं खड़ी कर दी है। देखो जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं, और मेरे को तो दोनों ही दिखाने गाड़ी ले ली थी, तो ये डिसएडवांटेज में लगा लो कि भाई 27 लाख रुपए खर्च करके भी गाड़ी खड़ी करके हम पैदल घूमेंगे। या मैं इतनी टेंशन हो गई थी, मैं 2 घंटे से रूम नहीं मिल रहा था, हर जगह पता कर लिया हमने, क्लार्क्स वगैरह फॉर्चून वगैरह कहीं रूम अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटी मोटी परेशानी है, वो तो देखो आती रहेंगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए। तो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। पिछली बार आया था ना यार, बड़ा मज़ा सा आया था, अच्छा सा लग रहा था, बहुत ही एक वाइब्स अच्छी थी, बट इस बार ना बड़ी नेगेटिव सी वाइब है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है यहाँ पे आके श्रीनगर में। हो सकता है कश्मीर फाइल्स देख ली सोचे तो। ये भाई जो डल लेक देखने आते हैं ना, वो खड़ी है आपकी शिकारा, यहाँ पे गिर जाओगे तो मिलोगे नहीं, डूब के मर जाओगे इसमें, कीचड़ में घुस गए। और ये अपनी वैसी मार्केट है, सारे मतलब गाड़ियों के पार्ट्स कटे रखे हैं, हमारी गाड़ी ना कट जाए कहीं, देखो सारे दरवाजे वरवाजे रखे हैं ऊपर और नीचे वो रखे हैं इंजन वगैरह, तो ज़्यादा दूर नहीं। वो छोटी गंगा थी ना, ये छोटी डल लेक। हाँ ये छोटी डल लेक है, बड़ा डैम बोलते हैं इसे, डैम तो पता नहीं कैसे, बोटिंग भी होती थी इसमें, वो खड़ी बोट। जब से कश्मीर फाइल्स देखी है ना, पता नहीं हाथ ही ऐसी नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या होनी हो। अगर गाड़ी अपनी चार्जिंग वाली नहीं होती, इलेक्ट्रिक वो डीजल वाली होती ना, मैं अब तक निकल चुका था, कारगिल ही स्टे करता, बट सुबह जैसी चार्ज हो जाएगी अपना फटाफट निकल लेंगे। कोई मौसम अच्छा नहीं, कुछ वाइब्स अच्छी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ खास है नहीं, बस ये ट्रिप जो है एक गो ग्रीन ट्रिप है आप लोगों को ईवी का वो दिखाने के लिए कि ईवी क्या क्या कर सकती है, तो बस ये इसीलिए ट्रिप है, बाकी सारा कुछ तो मैंने देखा हुआ है, इतना कोई मेरे को खास लगता नहीं यहाँ पे। बाकी घूमने के लिए जो मेरा मन है घूमने, तो मैं भाई अब साउथ का मेरा प्लान है, साउथ में बैंगलोर को। भाई एक और डिसएडवांटेज ईवी का कि ईवी चार्जिंग पे लगानी पड़ती है, कहीं पहुँचने के बाद फिर आप ऑटो से घूम सकते हो, 27-28 लाख रुपये खर्च करके। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं लाल चौक पे, जहाँ अपने मोदी जी ने झंडा फहराया था पहली बार, तो कहते थे यहाँ झंडा नहीं फहरा सकते, और अब यहाँ परमानेंट ऐसी ही लाइटिंग में रहता है झंडे की उसमें। अब गाड़ी तो चार्जिंग पर लगी हुई नहीं, तो गाड़ी को यहाँ ला के फ़ोटो खींचते, तो यहाँ थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर निकलते हैं अपने होटल में जाके सोएंगे आज आराम से। लाल चौक से वापस आए, वो उस पर ऑनलाइन चेक कर रहे थे चार्जिंग का, तो जैसे ही पता चला भी चार्जिंग नहीं हो रही है, हम फटाफट वापस आए। अब देखो चार्जिंग नहीं हो रही है, वैसे चार्जर ऑन है, इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो इसमें कोई फॉल्ट भी नहीं दिखा रहा है, और चार्जर कनेक्टेड भी दिखा रहा है, बट चार्जिंग शुरू नहीं हो रही, जो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलती है। अब इसमें तो ये बड़ी दिक्कत आ गई है, अगर चार्जिंग नहीं होगी तो फिर कल कैसे जाएंगे। तो अब MG का जो उस पर दबा दिया इन्फॉर्मेटिव बटन पे प्रेस करो, बस छोड़ दो, तो MG वालों से बात हो रही है गाड़ी में, यहाँ पर लगाया। अच्छा इसमें लगाया, अभी अंदर से लगा रहा है, अंदर सही है, अच्छा है वो, अब देखेंगे ना वो। तो आप देखो अब हो गई है चार्जिंग शुरू, यहाँ पे एक्सटेंशन कॉर्ड लगा दिए, ये वाले सॉकेट में शायद दिक्कत थी कोई। थैंक यू सो मच, ये अपना है।